कोटा संभाग व मध्य प्रदेश में पिछले दिनों लगातार हो रही बारिश की वजह से यहाँ के सभी नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में सभी नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। कोटा की सबसे बड़ी चंबल नदी का भी जल स्तर इन दिनों बढ़ा हुआ है और सभी बांध अपनी भराव क्षमता की मैक्सिमम पॉइंट पर आ गए हैं। इस समय हम खड़े हैं कोटा बैराज पर। कोटा बैराज में जो 800 फीट से ऊपर का जल स्तर है वो भी अपने पूरे लेवल पर है और यहाँ पर 13 गेट खोलकर आप देख सकते हैं, 13 गेट खोलकर 1,71,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। पिछले कई दिनों से गेट खोले हुए थे और अभी यहाँ पर निचली बस्तियों में अलर्ट भी जारी कर दिया है कि अगर गांधी सागर डैम से और भी पानी छोड़ा जाता है तो निचली बस्तियाँ लगभग अगर 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है तो निचली बस्तियों में पानी ज़्यादा आने की संभावना है। ऐसे में प्रशासन व पुलिस प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। हमारे साथ इस समय कोटा बैराज की जयन अंजू मीणा है, हम उनसे जानना चाहेंगे अभी क्या स्थिति चल रही है कोटा बैराज। अभी कोटा बैराज से 1,71,000 क्यूसेक डिस्चार्ज किया जा रहा है और प्रेजेंट में 13 गेट ओपन है, टोटल ओपनिंग 148 फीट है और लेवल अभी हमारा 851.90 फीट है। मैडम, ये अभी गांधी सागर से कितना पानी छोड़ा जा रहा है, राणा प्रताप से कितना पानी छोड़ा जा रहा है? गांधी सागर से गेट डिस्चार्ज प्लस मशीन डिस्चार्ज टोटल 1,67,000 है और अभी वहाँ का जो इनफ्लो है वो 1,85,000 क्यूसेक है। राणा प्रताप की क्या स्थिति है? राणा प्रताप से अभी 1,83,000 क्यूसेक डिस्चार्ज चल रहा है और ये डिस्चार्ज उनके गेट के थ्रू है और प्लस मशीन डिस्चार्ज है। अभी जो ज़्यादा पानी के आवक को देखते हुए अलर्ट घोषित किया है, किस प्रकार से अलर्ट घोषित किया है, कितने पानी की आवक संभावना भी बनी हुई है? कल 3 लाख क्यूसेक का डिस्चार्ज का अलर्ट हमने अनाउंस कर दिया था पर अभी इतना डिस्चार्ज यहाँ से हुआ नहीं है, इतना डिस्चार्ज अभी किसी भी डैम से नहीं हुआ है तो अभी 3 लाख तक का दिया हुआ है। मतलब गांधी सागर की स्थिति को देखते हुए डिस्चार्ज किया जाएगा तो अभी वहाँ क्या स्थिति है? अभी वहाँ पर जो इनफ्लो है वो कम होता जा रहा है, गांधी सागर में इनफ्लो कम होता जा रहा है तो अगर वहाँ का इनफ्लो कम होगा तो बाकी सब जगह से भी डिस्चार्ज कम हो जाएगा तो अकॉर्डिंगली फिर एक्शन लिया जाएगा। बैराज की जयन अंजू मीणा का कहना है कि अभी जो है गांधी सागर डैम से पहले 3 लाख क्यूसेक पानी का अलर्ट था जो कि अभी वहां से आवक नहीं हो रही है और स्थिति जो अलर्ट की थी उसमें अभी ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन जैसे जैसे गांधी सागर में पानी छोड़ा जाएगा वैसे वैसे कोटा में भी पानी बढ़ने की संभावना है। लेकिन अभी हाल फिलहाल बारिश रुकी हुई है जिस वजह से अभी संभावना गेट ज़्यादा खोलने की नहीं बन रही है, लेकिन फिर भी अभी बादल छाए हुए हैं और मौसम में अगर पानी अभी भी बारिश ज़्यादा आती है तो हो सकता है कि ये जो 13 गेट से 1,71,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है उससे ज़्यादा भी पानी छोड़ा जा सकता है। तो निचली बस्तियों में प्रशासन ने अलर्ट कर दिया है और पूरी तरह से बस्तियों को खाली करा दिया गया है और वहाँ से जो भी है उनको सुरक्षित स्थान पर पूरी जो प्रक्रिया है प्रशासन की वो कंप्लीट कर ली गई है ताकि कभी भी अगर निचली बस्तियों में पानी आता है तो ऐसे जो निचली बस्तियों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा सके। कोटा से संजय वर्मा, राजस्थान तक।